मांझी जी, आज आप अस्पताल आए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ देखने आए? देखिए, नालंदा जिला का एक गांव है, वहां आपस में कुछ बातों के लिए झगड़ा हुई थी और झगड़ा शांत हो गई, सब लोग अपना अपना घर चले गए और उसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति को देखने उखने के सिलसिले में लोग आने जाने लगे और उसी बीच में ये आदमी जो कमलेश मांझी है वो मूर्ति देख रहा था और पीछे से एक आदमी आ करके उसको मारा गोली से। गोली भी बुलेट है और बुलेट से, वो गांव का नाम है पपर नौसा, नूरसराय में है और उससे काफ़ी इंजर्ड है, कमर से नीचे का हिसाब है। जो अभी सुप्रिंटेंडेंट से बात हो रही थी कि हड्डी के बीच में भी कोई नस रहता है, तो हड्डी को तोड़ते हुए भी उस नस को भी वो बुलेट बर्बाद कर दिया है। वैसी परिस्थिति में अभी ये लोग निर्णय ले नहीं रहे हैं कि बुलेट को कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, स्वेलिंग है, ये सब है, एक दो रोज वेट करेंगे। पेशेंट की हालत स्थिति यही है कि उसको पैखाना नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है और काफ़ी दर्द से बेचैन रहता है। मांझी जी, क्या लगता है कि जिस तरह से गोलीबारी का मामला आ रहा है, अभी रोहतास में भी डबल मर्डर हो गया, नालंदा लगातार विपक्ष भी वार कर रहा है, ऐसे में मांझी जी लगातार कहते भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, घटनाएं तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन घटनाओं के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, अपेक्षित कार्रवाई की आशा हम लोग रखते रहे हैं और कहीं कहीं कार्रवाई हुई भी है। बावजूद उसके भी अगर ये घटनाएं होती है तो चिंता का विषय है और इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा और हम महागठबंधन के पार्टनर हैं तो भी हमको सोचना पड़ेगा कि महागठबंधन की सरकार विकास के दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टिकोण से अच्छा काम कर रही है, बट इस प्रकार की घटना जमीन दखल का या मारपीट का या और तरह की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं कि डेंगू को लेकर काफ़ी अभी पूरे राज्य में एक बड़ा कह सकते हैं कि एक महामारी है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तमाम अस्पतालों में बेड को बढ़ाया जाए। आज जो स्थिति है पीएमसीएच में और तमाम जो सरकारी अस्पताल में, गरीब लोग आते हैं तो डेंगू के लिए और बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसलिए मांझी जी क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे और जैसा नीतीश कुमार जी ने कहा है कि डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव की व्यवस्था हो रही है और हर हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड बने जिसमें कि डेंगू की बीमारी आवे, उनका इलाज होवे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गांव में भी हो, शहर में भी हो, गरीब जगहों में हो, वहां पर उसका छिड़काव होना चाहिए। जैसे यहां कोविड 19 में सचेत होकर के काफ़ी अच्छा काम किया गया था, उसी तरह से डेंगू का एक आक्रमण अभी चल रहा है, बहुत लोग को आक्रांत कर रहा है, बावजूद उसके लोग सरकार चिंतित हैं, सरकार काम कर रही है। कल आजे पेपर में देखा है कि डेंगू की जो घटना घटती है वो थोड़ा कमा है, तो इससे लगता है कि उस पर लोग कंट्रोल कर रहे हैं और करेंगे भी। हमारा भी अनुरोध है कि जिस गति से कंट्रोल कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ख़ास करके गरीब इलाकों में जहां कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान भरोसे हैं, वहां पर विशेष छिड़काव और विशेष चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है।